ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं वीसी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेरा लास्ट मंथ है उसमें मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए और किस में मेरे को प्रॉफिट हुआ और किस में मेरे को लॉस हुआ, और इसके पीछे का रीजन भी देखेंगे कि क्यों मेरे को लॉस हुआ, क्यों मेरे को प्रॉफिट हुआ, वो सब। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं एक्सेल सीट के ऊपर, जहां मैं लिखता रहता हूँ कौन से मेरे ट्रेड है, कौन से पॉजिटिव है, कौन से लॉस वाले। सो मेरे को एंड ऑफ द मंथ क्या है कि उसको देख सकूं और मेरे को आइडिया लगे कहां मैंने सही डिसीजन लिया था, कहां मैंने गलत डिसीजन लिया था। और ये कोई प्रेपर ट्रेडिंग नहीं है, आपको सभी ट्रेड हमारे ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएंगे। तो अभी देखते हैं कौन से मैंने ट्रेड लिए थे, किस में मेरे को सक्सेस मिला, किस में मेरे को प्रॉफिट हुआ, किस में मेरे को लॉस हुआ। तो जो पहला ट्रेड था वो HDFC में था, इसमें मेरे को क्या हुआ, हाल फिलहाल थोड़ा सा लॉस फेस करने को मिला। मतलब पहला ही अगर मैं देखे ये सीट जो, मतलब जो इस मंथ की बात करें हम, तो उस मंथ में मेरा को पहला ही ट्रेड लॉस में चला गया। तो मेरे को कोई इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से ट्रेड कैच कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट आपको होना चाहिए, छोटा क्या है कि स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट है, आपको आइडिया होना चाहिए। तो मेरे को इसमें 30 पॉइंट का लॉस हुआ था, ऑल ओवर 1.23% का इसमें लॉस देखने को मिला था मेरे कैपिटल के ऊपर। बाद में दूसरा M&M में लिया, उसमें भी मेरे को लॉस फेस करना पड़ा 2.34%, उसमें भी मेरे को लॉस फेस करना पड़ा। दोनों क्या है कि मार्केट गिरावट के कारण, या क्या है कि मैंने जो सोचा था, थोड़ा होता है कभी कभी आपको मार्केट साथ नहीं देता, मार्केट गिरावट स्टार्ट कर देता, आपने ट्रेड बाइंग लिए होते, सेलिंग ट्रेड लिए होते, उसमें मार्केट अप जाना स्टार्ट कर देते, ऐसा फेस करने को मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप अगर सही क्या है कि ट्रेड लोगे तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो ये दोनों ट्रेड मेरे स्टार्टिंग के ही दोनों ट्रेड लॉस हो गए। बाद में थर्ड ट्रेड आया मेरा, वो L&T में आया, L&T में मैंने ट्रेड लिया 1293 पे, मैंने ट्रेड लिया था, उसको मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया 1334 पे, उसमें मेरे को 41 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, जो होता है 3.17% का। बाद में मेरा दूसरा ट्रेड आया जुबिलेंट फूड, बहुत ही अच्छा स्टॉक चला ये, लेकिन मैंने क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग कर दिया था। मैं ऐसा नहीं होता, मेरे को जहां मेरे को ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वहां मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। तो जुबिलेंट फूड में मेरा ट्रेड बना था 1695 पे, एक रेंज ब्रेकआउट था, आपको मैंने आई थिंक ट्विटर पे बताया था ये। बाद में मैंने इसने 1713 पे प्रॉफिट बुकिंग किया, 68 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। जो परसेंटेज के हिसाब से देखे तो मेरे को इसमें 4.10% के इसमें क्या है कि प्रॉफिट मिले अपने कैपिटल पे। बाद में हमने फिर से विप्रो में ट्रेड लिया, विप्रो में ट्रेड लिया, बहुत अच्छा चला, लेकिन क्या है कि मेरे टारगेट से थोड़ा रह गया। मैंने 248.1 पे क्या कि इसमें एंटर किया था, मेरा टारगेट था 260, लेकिन ये 257 पे जाके रिटर्न हो गया। तो मैंने क्या किया, इसमें पोजीशन क्लोज कर दी, कोई दिक्कत नहीं थी, जहां मैं एंटर हुआ वहीं पे मैंने एग्जिट हुआ। तो इसमें मेरे को ना तो प्रॉफिट देखने को मिला, ना तो लॉस देखने को मिला, मेरे टारगेट से थोड़ा ही है क्या है कि रिवर्स हो गया। तो कोई दिक्कत होती ना, आपको देखना पड़ता है कि प्रॉपर आप क्या लेके जा रहे हो सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए, एक एनालिसिस के साथ ये होता है। बाद में मैंने TCS पे ट्रेड लिया, 2211 पे मैंने इसमें ट्रेड लिया, 2240 पे प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब 29 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग थी, छोटा ट्रेड था, तो इसके हिसाब से मेरे को 1.31% की इसमें अपने कैपिटल पे रिटर्न मिला। बाद में मैंने NIT टेक में ट्रेड लिया, ये मेरे को याद है मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ था, बाद में एक रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ था और अपने हाई से ऊपर निकल था। तो ये मेरे को इस तरह लगा कि नहीं ये मेरे को लेना चाहिए, तो मैंने 1652 पे इसमें ट्रेड लिया। बाद में अपर गया, एक ही दो दिन में मेरे को इसमें प्रॉफिट बुकिंग मिल गई थी, तो 1719 पे मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया, 67 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट मिला। बाद में ये ऊपर नीचे भी हुआ है, लेकिन मेरे को जहां लगता है कि नहीं मेरे को इधर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए तो वहां मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। तो इसमें मेरे को 4.05% का कैपिटल पे मेरे को रिटर्न मिला। बाद में मैंने मन्नापुरम पे ट्रेड लिया, ये भी क्या था, एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन क्या था, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मेरे को इसमें से एग्जिट होना बेहतर लग रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़े से स्टॉप लॉस के रख के, नहीं स्टॉप लॉस इसमें बड़ा था, मेरे को याद है कि इसमें मैंने 170 का स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं इसमें मेरे को एग्जिट होना पड़ेगा, ये ट्रेड मेरे हिसाब से अभी ये क्या है कि रॉन्ग ले लिया है मैंने, तो इसलिए मैं इसमें से एग्जिट हो गया। इसमें मेरे को 0.79% का कैपिटल पे लॉस हुआ मेरे को, क्योंकि लगा ऐसा कि नहीं ये ट्रेड मैंने रॉन्ग ले लिया इसलिए मैं एग्जिट हो गया। बाद में ये क्या है कि अपने नीचे गया, अपने स्टॉप लॉस हिट नहीं गया, फिर भी अब वो आ गया, लेकिन मेरे को जहां मेरे को लगता है कि नहीं ये ट्रेंड मैंने अभी हाल फिलहाल रॉन्ग ले लिया है,
या कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं इसमें से एग्जिट हो जाता हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये लाइव में ही आप सीखोगे, ये एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। नो डाउट आपके पास नॉलेज होगी, सब कुछ नॉलेज होगा, लेकिन जब तक आप लाइव कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ आइडिया ही नहीं आएगा। बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने ट्रेड लिया था, 4381 पे मैंने ट्रेड लिया था, 4505 पे मैंने इसने प्रॉफिट बुकिंग की। बाद में ये इसके अबोव भी निकला था, लेकिन सिंपल है, जहां मेरे को लगता है मैं वहां प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। 124 का इसमें मेरे को प्रॉफिट मिला, पॉइंट का है ये। बाद में 2.83% मेरे को इसमें प्रॉफिट मिला कैपिटल पे। बाद में हम देखते हैं एचयूएल में भी बहुत अच्छा क्या आई थी, मेरे का ट्रेड कैचअप किया था। ये मेरे को आइडिया कि एक बॉटम पे क्या है कि बेस बना रहा था, कितने टाइमों से एक रेंज में बॉटम पे पड़ा हुआ था, एक डाउन ट्रेंड, बाद में एक बॉटम पे पड़ा हुआ था। तो इसमें मैंने क्या है कि वो रेंज ब्रेकआउट, जो बॉटम पे रेंज ब्रेकआउट हुआ उस पर मैंने एंट्री ली, 1955 पे मैंने इसमें एंट्री ली थी, 2049 पे इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, 94 पॉइंट का इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, 4.8% का इसमें मेरे को कैपिटल पे रिटर्न मिला। बाद में हमने किया टाटा ग्लोबल, सबसे बढ़िया स्टॉक मेरे को इसमें मिली थी इस मंथ में, क्योंकि मेरे को इसमें हाई में क्या कि एक रेंज ब्रेकआउट मिला, बाद में मैंने उसमें ट्रेड लिया, 334 पे मैंने इसमें ट्रेड लिया, वो 384 जो कंटिन्यूअसली 4-5 दिन चला वो मैंने रखा। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इधर से मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो मैंने 384 पे प्रॉफिट बुकिंग की, 50 पॉइंट का इसमें मैंने क्या किया प्रॉफिट लिया। तो मिल जाते, ऐसा नहीं होता कपोर्ट डेली मिलेंगे, कभी लॉस होंगे कभी प्रॉफिट होंगे, लेकिन मंथ में एक दो स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरा पोर्टफोलियो को क्या है कि एक अपसाइड लेके जाएगा। तो यही स्टॉक था मेरे पोर्टफोलियो में लास्ट मंथ में, टाटा ग्लोबल। बाद में मेरा इसके बाद का जो स्टॉक था जुबिलेंट फूड, सेम एंट्री ली, फिर से मेरे को ऐसे एंट्री जैसा दिखा, एंट्री ली। बाद में मैंने इसमें क्या किया, जहां एंटर हुआ था वहीं पे एग्जिट हो गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये रॉन्ग एंट्री हो गई थी, ये मेरी गलती थी, मेरे को याद है ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं वहां से एग्जिट हो गया थोड़ा सा लॉस लेके, मतलब 1 पॉइंट का लॉस लेके, तो उतना ज्यादा इसमें लॉस नहीं हुआ था। बाद में बालकृष्ण, ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक था जो मैंने पिक किया था, 1041 पे मैंने इसमें एंट्री ली थी, 1089 पे मैं एग्जिट हुआ, 22 पॉइंट का इसमें मेरे को प्रॉफिट मिला था और 2.11% का इसमें मैंने रिटर्न लिया था। बाद में मन्नापुरम 183 पे मैंने बाय किया था, 190.5 पे मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी, 7.5 का मैंने इसमें प्रॉफिट लिया था, प्रॉफिट पॉइंट लिए थे, तो इसमें मेरे को 4% का रिटर्न मिला था अपने कैपिटल पे। तो ये कैपिटल मेरा एक सेम ही रहता है कि पर्सनल कोई स्टॉक होगा तो उसमें मैं इतना ही कैपिटल यूज करूंगा जो सारे स्टॉक में यूज करता हूँ। मान लेते कि HDFC में मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो बाद में M&M में भी 1 लाख ही होंगे, L&T में भी 1 लाख ही होंगे। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टॉक क्वांटिटी नहीं लेता, चलो HDFC का 100 क्वांटिटी ले लिया, M&M का 100 क्वांटिटी ले लिया, L&T का 100 क्वांटिटी ले लिया, ये नहीं होता मेरे में। मेरे में होता है कि चलो मेरे पास मान लेते कि 5 लाख है तो मैं क्या करता हूँ, 1 लाख क्या 5 भाग करता हूँ और सभी में वो इन्वेस्ट करता हूँ, समझ गए। तो ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आप 100 क्वांटिटी खरीद रहे हो, 1000 क्वांटिटी खरीद रहे हो, समझ गए। एक रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट पे भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। कैसे करना है वो आप देख लो, या तो हमारे साथ जुड़े रहो, हम क्या है कि इस पे भी वीडियो लाएंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट होते उस पे भी वीडियो हम बनाएंगे। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक था वो टोरेंट फार्मा था, टोरेंट फार्मा में भी मैंने 2044 पे एंट्री ली थी, हाल फिलहाल मैं इसमें एग्जिट हुआ हूँ, 1900 पे एग्जिट हुआ। ये मेरा सबसे क्या बोलते हैं खराब वाला स्टॉक था, जो मेरा सबसे खराब वाला पिक था ये यही था इस मंथ में। तो आपको दोनों मिलेंगे मंथ में, एक अच्छा मिलेगा एक बुरा मिलेगा। इसमें मेरे को 144 पॉइंट का लॉस मिला और वो 7% का कैपिटल पे मेरा लॉस हुआ है। बाद में मैंने अशोक लेलैंड लिया था, एक अच्छा मतलब मेरे हिसाब से अच्छा था, लेकिन क्या थे मेरे हिसाब से वो चला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है होता है। तो 86.3 पे मैंने इसमें एंट्री ली थी और 82.9 पे मैं एग्जिट हुआ, 3.4 पॉइंट इसमें मेरे को लॉस देखने को मिला, तो वो होता है 3.93% ऑन कैपिटल लॉस। बाद में लास्ट में फिर से मैंने टाटा ग्लोबल पे एंट्री ली थी, ये भी मेरे को याद है कि ये मैंने जल्दबाजी में एंट्री ले ली थी, मेरे को बाद में उसमें रीजन पता चला, तो इसमें मैंने 396.65 पे एंट्री ली, बाद में 374.4 आज ही में इसमें एग्जिट हुआ हूँ, 22.15 पॉइंट का मेरे को इसमें लॉस देखने को मिला है।
5.58% का कैपिटल लॉस देखने को मिला है। तो ये था मेरा पिछले मंथ के स्विंग ट्रेड। इसमें मैंने जो भी ट्रेड लिए वो रीसेंट के साथ लिए होते, और अभी मैं इसको क्या है कि एंड ऑफ द मंथ देखता हूँ कौन सी मेरी गलती थी किसमें, जो टाटा ग्लोबल में भी लगती मैंने इसमें एक गलती की थी। तो वो क्या था कि चलो मेरे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उसके आगे एक 400 का लेवल था। ये लेवल हम क्या है कि मैं पर्सनली रखता हूँ, तो वो 400 का लेवल ब्रेक होने से पहले ही मैंने क्या कि 1% पहले ही एंट्री ले ली, समझ गए। तो वो लेवल के पास गया और वो लेवल को टच करके वहां से रिवर्स आ गया, बाद में वो लेवल के पास अभी गया ही नहीं है, समझ गए। तो ये होती है आपकी गलती थोड़ी, कभी आपको बाद में आइडिया आएगा कि नहीं ये आपकी गलती थी इस ट्रेड में, तो वो आप क्या है कि उसको लिख के रखो या माइंड में रखो कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, समझ गए। होती है गलती, लेकिन एक माइंड में हो या लिख के रखो तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं इन फ्यूचर जल्दबाजी में ऐसे ट्रेड नहीं लेने। तो ये था हमारा स्विंग ट्रेडिंग का लास्ट मंथ का डिटेल। इसमें मेरे को एक स्टॉक ऐसा मिला जो मेरे को 15% का प्रॉफिट देके गया, एक स्टॉक ऐसा मिला जो 7% का लॉस देके, लेकिन एंड ऑफ द मंथ मैं पॉजिटिव में ही रहा हूं, मतलब मेरे को प्रॉफिट ही हुआ। वो मेन बात होती कि आप पूरा मंथ क्या है कि ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं, समझ, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में होने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेकर आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।